जय गणेश, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है सिंह राशि के लिए मई 2016 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, तो चलेंगे आपकी राशि से नौवें स्थान में। भाग्य स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। 14 मई 2016 तक सूर्य चलेंगे भाग्य स्थान में, उसके बाद सूर्य चलेंगे राशि से दसवें स्थान में, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, बिजनेस में कैरियर में तरक्की करवाने वाले हैं। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र का भ्रमण भी भाग्य स्थान एवं कर्म स्थान के अंदर है, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। 19 मई 2016 के बाद शुक्र चलेंगे दसवें स्थान में, जो भी आपके लिए शुभ है, बिजनेस में कैरियर में तरक्की करवाने वाले हैं। बुध ग्रह का भ्रमण भाग्य स्थान में है, जो भी आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। मंगल और शनि का संयुक्त भ्रमण चतुर्थ स्थान के अंदर हो रहा है, जिसके चलते हुए खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका केयर करना है, और माता एवं पिता के साथ रिलेशनशिप में केयर करना है। गुरु और राहु का संयुक्त भ्रमण आपकी राशि के अंदर हो रहा है, जिसके चलते हुए आपकी धार्मिक भावना कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा हो सकता है, और ख़ास करके आपको डेट्स टेक केयर करना है जो इस प्रकार हैं 3, 4 और 5, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के जो चंद्र हैं वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव केयर करना है और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। तो ये था प्रेडिक्शन सिंह राशि के लिए मई 2016 का। यदि आपके कोई मित्र हैं सिंह राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। फेसबुक इत्यादि माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।